दिल्ली। महाराष्ट्र के 6 जिलों में अगले 5 साल में डीजल का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की एक योजना के तहत महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और वर्धा में अगले 5 साल के अंदर डीजल का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। डीजल की बजाय इन जिलों में एक खास किस्म के बायो डीजल का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बायो डीजल करंज नाम के एक पौधे के बीज से तैयार किया जाएगा। बताया गया कि इसके लिए इन 6 जिलों में करंज के 4 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही करंज के बीज से बायोडीजल बनाने के लिए 4 बायोफ्यूल प्लांट भी लगाए जाएंगे। बताया गया कि बीज से बनने वाला बायोडीजल सामान्य डीजल से करीब 20 रुपए सस्ता पड़ेगा। यही नहीं, बायोडीजल के इस्तेमाल से प्रदूषण भी नहीं होगा और सबसे अहम बात यह कि इस बायोडीजल का इस्तेमाल करने के लिए गाड़ियों के इंजन में कोई बदलाव भी नहीं करना पड़ेगा। बीजेपी महासचिव राम माधव ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए क्षेत्रीय दलों को जिम्मेदार माना। उन्होंने दावा किया कि जब तक आतंकवाद का समर्थन करने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक घाटी में शांति बहाल करना संभव नहीं है। टेररिस्ट जो हथियार लेकर घूमता है वो तो है ही, वो कभी कश्मीर का होता है, ज्यादातर उस पार से पाकिस्तान से घुसकर आ जाता है, पर उसको यहाँ पैसा देने वाले, आज ऐसे आतंक को, सेपरेटिज्म को खुलकर समर्थन देने वाले, खुद अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाना, यहाँ के मासूम बच्चों को आतंक के शिकार बनाना, आतंक में ढकेल कर उनको फिर उनके जीवन को खत्म कर देना, ऐसी जो राजनीति यहाँ के तमाम नेता करते हैं, उन नेताओं को ठीक करने के काम सरकार ने लिया है। यूपी के बाराबंकी में एक पुलिस अधिकारी से छात्रा ने उन्नाव रेप कांड से जुड़ा एक सवाल पूछ लिया जिसपर वो हैरत में पड़ गई। पुलिस वाले एक स्कूल में बालिका सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने छात्राओं को उनके साथ कुछ भी गलत होने पर इसकी जानकारी तुरंत टोल फ्री नंबर पर देने की अपील की। लेकिन तभी सामने बैठी एक छात्रा खड़ी हुई और उन्नाव रेप कांड का जिक्र करते हुए पुलिस अधिकारी से ही सवाल पूछ लिया। छात्रा का सवाल सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरान रह गए और उन्होंने उसे जरूर इंसाफ मिलने का भरोसा दिया। छात्रा के सवाल पूछने का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेर लिया। बिहार में भीड़ ने बच्चा चोरी के आरोप में एक आदमी को पीटा। बिहार की बेतिया में बच्चा चोरी के आरोप में रस्सी से बांधकर भीड़ के हाथों पिट रहे एक आदमी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राजस्थान के टोंक में मोबाइल पर गेम खेलते वक्त हुए विस्फोट में 2 सगे भाइयों के घायल होने का मामला सामने आया। बिहार में हत्या की साजिश रचने के एक मामले में घिरे विधायक अनंत सिंह ने पटना पुलिस मुख्यालय में अपना ऑडियो सैंपल दिया और सरकार पर फंसाने का आरोप लगाया। बिहार की वैशाली में जमीन विवाद में हुई एक आदमी की हत्या के मामले में गवाह, उनके दोनों बेटों की भी कुछ लोगों ने हत्या कर दी। रेलवे ने सितंबर महीने से मुंबई की लोकल ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने का फैसला लिया।